सभी दर्शकों को नमस्कार। आज जिस प्रांगण में हम खड़े हैं वो है धर्मनगरी झमोला और ये है बाबा मस्तनाथ आश्रम। आइए इसकी सैर कराते हैं। ये है अंदर का भाग। यहाँ से इस आश्रम की शुरुआत होती है और ये देखिए बहुत बाबाजियों का फोटो। ये हैं योगी महंत बाबा मूलानाथ जी और सभी साधुओं की ये है सूची। अब हम चलते हैं बड़ी पूजा के स्थल पे। ये माता रानी और ये बाबा हनुमान। बहुत पुराना कुआ, कम से कम 500-600 के लगभग। ये कुआ किसी टाइम में बंजारों ने खोदा था और पूरा गांव इसका पानी पीता था। अब तो ये खंडर हो चुका है और ये ऊपर से बंद कर दिया। यहाँ से पूरी धर्मनगरी दिखाई दे रही है। आपको बता दें यहाँ सबसे पहले बाबा अद्भुतानाथ जी आए थे, उनके शिष्य बाबा मस्तनाथ हुए और उन्होंने भी यहाँ आन के धुना लगाया और तपस्या की। तब से ये डेरा प्रचलित है। आइए आगे का हाल दिखाते हैं। ये है आश्रम का पीछे का भाग। आइए यहाँ बाबा जी विराजमान हैं और इनके कुछ शिष्य भी बैठे हुए हैं। आइयो इनसे बात करेंगे। आदेश महाराज जी। जय हो भाई। महाराज जी बताइए ये डेरा कब से प्रचलित है? ये डेरा भाई बाबा दूधाधारी की समाधि है सबसे प्राणी। हाँ जी। और ये डेरा में जो कुआ है ये है। अच्छा जी। ये दोनों चीज नगरी बसने से पहले की बताई जाए। ठीक महाराज जी। बाबा दूधाधारी की समाधि देख के बाबा मस्तनाथ जी ने यहाँ धूना लगाया था। अच्छा जी। बाबा मस्तनाथ जी जिस समय कोथा से बोर गए जी। उस टाइम पर धूना लगाया उन्होंने जी। और फिर उनके शिष्य आए यहाँ बाबा दीनानाथ और रामदननाथ जी। तो उनसे फिर लगातार शिष्य आते रहे। बाबा जी के शिष्य थे दीनानाथ जी के नथुनाथ जी, उनके फतेहनाथ जी, उनके नेत्रामनाथ जी, नेत्रामनाथ जी के जयरामनाथ जी, तीर्थनाथ जी, बालकनाथ जी, मूलानाथ जी और उनके शिष्य हम हुए सोमनाथ जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी साधु रंदे आए हैं। नगरी बसने से पहले की बताई जाए बाबा दूधाधारी की समाधि, उस समय से डेरा है। ये महाराज जी ने बताई पीढ़ी दर पीढ़ी इस डेरे की परंपरा जो चलती आ रही। ये पूजा के छोटे स्थल हैं तो ये हमने देखा बाबा मस्तनाथ झमोला का आश्रम। जो भी इस आश्रम के प्रति श्रद्धा रखता है एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।